हाँ सुबह राजा की कैसा कथ है हम तो तुम कती हो कैसा कैसा हाँ मैं को नाव दीजिए। सो सवेरे नहाओ अपन यदि जे तुलसा के जे उपास रहे थे शरद पूनो सो एक कैसा करने पर थे नहाओ सो रोज को कैसा कहो सो हम तो बाब कहते थे कि एक राजा हती शिकार खेल भी वन में गए घर में रानी और दासी हती सो उते गए सो देखे ग्वाल वाल कथा कर रहे थे सो उनने की का करा था सो कही सत्यनारायण स्वामी की कथा करा थे सो कही के हम सोई सुन है सो कही भेज जाओ वो तो सबको सुन सका थे सो जब कथा पूरी हो गई सुनने की प्रसाद दे दो सो पर नहीं उनने की प्रसाद ले लो ग्वाल वालों ने कही सो राजा राजमद में हती कि हम राजा जी ग्वाल वालों को का प्रसाद ले सो राजा ने प्रसाद को अपमान कर दो घर आए लौट के सो राजपाठ नष्ट हो गओ सब रो और सब हाथी घोड़ा सब बर्बाद आक्रमण करो दूसरे देश के राजा ने सो हार गए सो अब रानी कहने लगी बताओ महाराज कछु है सो अपराध तो नहीं होगा सो कहने लगे हमने ग्वाल वालों को प्रसाद न लाओ तो उसको जाओ सो मांग के लाओ तो गए ग्वाल वालों से कहीं प्रसाद दे कहने लगे अब कहाँ प्रसाद होते गए सो ते दोनों पत्तलों में जो उनमें दाओ तो प्रसाद सो डरे थे सो में तनक सो सो किनू का मिल गाओ सो लाओ उठाओ खाओ उनने सो उनको सब राजपाट लौटाओ सो जैसी उनकी सुधारी ऐसी सबकी सुधरे तो और आगे कथे के डेढ़ पाव खोबा डेढ़ पाव शक्कर के छह लड्डू बनाए धन एक सखी को एक पति को चलते फिरते ग्वाल वाल को एक बच्चों से अपन ने खाओ धन मांगे ने दौलत मांगे मांग भर सिंदूर मांगे माथे भर मेहंदी मांगे गरीब भर पोत मांगे बाँ भर चुड़ियाँ मांगे पाँव भर बिछिया मांगे एड़ी भर मुहार मांगे सत्यनारायण स्वामी की जय। ऐसी अपन के सकत गए नहाओ और कपड़ा पहरत गए के सकत गए सो हम जाई करते और एक और हमारी सास ने बताई थी नंद भौजाई की कि नंद हती भौजाई हती नंद रोज तुलसा भौजी रोज तुलसा ढा रहे और किसा कहे और नंद कहे ने सो जब रोज भौजी किसा कहे अब मन ही मन में बुध बुध आवे सो नंद हो जो लगे के गारियां देती है सो जाके मताई सके दई के वह भौजी रोज को सफर के तुलसा ढा रहा सो मुझे गारी दे सो सास कहने लगी के तुम चार काम करती सो दो करियो दो करती सो एक करियो हमें बिटिया को गारी न लग गयो सो कही हम गारी नहीं देते हम तो किसा करते हैं सो कही कैसी किसाया कहते हैं कही सत्यनारायण स्वामी की किसाया कहते हैं सो उन्होंने बताई सो ऐसा ही फिर आगे कत गए कि डेढ़ पाव को डेढ़ पाव शक्कर के बनाए छह लड्डू ठाकुर देवाल तुलसी देवाल सखी को पति को चलते फिरते ग्वाल बाल को एक बच्चो अपन न खाओ धन मांगे दौलत मांगे मांग भर सिंदूर मांगे माथे भर बहनी मांगे गरीब भर पोत मांगे बाँ भर चुड़ियाँ मांगे पाँव भर बिछिया मांगे गिरी घर मार मांगे सत्यनारायण स्वामी की जय। सो ऐसी और बस सत्यनारायण स्वामी की अपन जा कैसा भी पढ़ सका थे पाँच अध्याय सुबह अपन पोथी में से पढ़ लो और एक खोज कर गया की हती और एक एक और हती बा तो मैं तुमने सुनी बा बे लड़का बना के सत्यनारायण स्वामी आउ थे सात दरवाजों के बीच में की हाँ बे उसे भावन पड़ती पोती हाँ पोती पता सुनिए लड़का नहीं रहता हाँ एक हमारी हमारी सोई आज के सास करती सो हमने सीख लाई थी हाँ हमारी सास सोई बस सुनाऊं लगाती कि एक ब्राह्मण हते और उनके बाल बच्चे ने हते सुबह तो पंडित पोथी पढ़ते पत्रा बूढ़े होन लगे अब उनके लड़का ही नहीं हतो अब कर लगे का करें अब हतो तो के लड़का अब उनके हाथ पाँव न चले बूढ़ी के सो कही का करें सो कही ऐसो कोनो की लड़की के ले आओ आपको आ दे अपनी लड़की ऐसो सो कही के ऐसे ही हल्ला उड़ा दो के लड़का है सो तो बनारस में पढ़ा था हाओ सो बनारस गाँव है सो नाय माय से करी सो एक लड़कियाँ मिल गई गरीब हतो सो सोची चलो अब बाबूड़ी है खेला ते आती हैं जी जी चार पांच लड़कियां खेला थी हाँ हाँ और बेजन घर बनाती मिटा देती और एक सुबह अपने मिटा उतने थी सो बाबा लौट रहा हूँ तो पोथी करके सो बाबा हम अच्छा लगो बाबा के घर गए कहने लगे कहे भाई तो मैं ब्याह करने मोड़ी को तो हमारा लड़का है सो कोई कहाँ है तुम्हारा लड़का सो कोई बनारस में पढ़ा थे सो घरे आए सो बूढ़ी से कहने लगे अब तुम बूढ़ी हो गई हमें तो एक लड़कियाँ मिली हुआ तो हमारे मन में भाग गई सो हमें तो भाई बहू चाने सो बिना अब कई ब्याह होने होने तय हो गो सो अब कई लड़का कहाँ से लावे सो अब बब्बा कहने लगो या सो कर भी कह दे भी के वो आ नहीं सकतिया सो पोथी से भावने पर गई अब पोथी से भावने पर ही बहू घरे आ गई लेगा आजी बाजी से आदमी कहने लगे अब सब रे आदमी तो जानते के बब्बा के तो लड़का ही नहीं है महाराज के कहाँ से बहू आ गई जब लड़का तो हतू ने बहू कैसे आ गई महाराज के अब बिना उनने सोची के यदि बहू बाहर निकली तो सब जान जे है सो कही के बहू से कहे घर में राखे बिल्कुल कहे के तुम बाहर रहने करियो और
छह दर सात दरवाजा दो रे हते सो कई छह खोल गयो सात मुखा बा उने खोल गयो। हां हां जी जी बे दो जने चले गए कहूं हाँ। और उनसे कह गए के रोज को आग ही गाड़ के आओ आग ही ने बुझ गयो आग ने बुझ गयो ना बे आग ही नहीं गाड़ के गए हां नहीं बे सिकाऊ दई थी हूं हाँ। कबों घर की आग ही ने बुझे रात के एक कंडा गाड़ दई मारे है सो बाजू वाले लेके तो चली गई बा सुबह निकली और ऐसे एक कोठा बंद है तू सुकर लगाते के छह का कोठा खोल गयो सात मौका बहु ने खोल गयो सुबह बहु हो लगे कि सात में कोठा मौका है और जब जब डुकर गया कौआ बे सुबह उलन न देवे कौआ बे उसको है तुम भीतर चली जाओ जाओ सो अब वो बड़ो लगे लड़की क्या तो नहीं अब बंद बंद कैसे रह सकती वो वह पूछे कि हमारे पति कहाँ है अवे लो नहीं आए कहाँ है सुकैया आ है यहाँ है सब मुत के दिन बीत गए अब एक दारे कहूँ बब्बा बूढ़ी गए दो ही जने कछु काम से सुबह उन्हें रात के कंडा गाड़ को भूल गई सो आगी बुझ गई अब सवेरे उठी सुकैया रागी नहीं आगे को काम कैसे करे अब भगवान को भोग बना उन्हें है हवन पूजन करने सो बिन्ना बा गई पड़ोस के सो सब री खसर पसर करे अरे आगे बुझ गई अरे महाराजन की बहू गा खराब रहती हाओ हाओ सो कछु कन लगी भाई है भाई बहू गा सुबह कन लगी के सब से पूछ को कछु ने कहे एक कोई की उम्र से की हती सो उसे उन्हें कही के तुम तो हमारी बेरोबरी की हो हमारी सखी सिया हो ये सब री ऐसी कहे कहती के भाई बहू गा जब भाई बहू गा सो कन लगी कह तो मैं नहीं जा पताया के उन महाराज के लड़का नहीं है तुम बहू बन के आ गई सो कहने लगी है कैसा नहीं है लड़का भी तो बनारस में पड़ा हमारा तो पोथी संगे ब्याह होगा तो आ नहीं पाए थे सो कहने लगी के तो पोथी संगे पारदा उनको नहीं है लड़का का अभी तो अपने काम खोला आए हैं तुम्हें और जब ऐसी है सो ब्याह में सास सो कहियो के बुलाओ लड़का हो हमारे हाँ के कहाँ है हमारे पति को बुलाओ हमें नहीं रहने तुम्हारे लाने का तुम्हारी चाकरी को आए थे सुनने तो मैंने खूब से क्या पड़े दाऊ बहू को अब लौट के आए बब्बा बूढ़ी सुबह तो बैठी ताओ में तो आए सो कहने लगे काय बेटा बन गई रोटी तो परसों कहने लगे का छुरी मिलने तुम्हें रोटी वोटी बब्बा ने बूढ़ी कहने लगे काय तुम्हारे लड़का है नहीं है और तुम सो कही कौन ने कही बेटा तुम कही काय सो उन सास कर लगी हमने कही थी तुम बाहर है ना करियो सुकन लगी आगे बुझ गई थी सो आगे ले गई थी सुबह यही से क्या उठते के आगे गाड़ के धार रख कही हम भूल गए थे अब बिन्ना बे पशु पेशो पर गए बहू तो कहने लगी हम तो रहे नहीं हम तो अपने घर है जे और झूठो तुमने झूठो करो हमारे संग है धोखा करो सो अब भी भगवान की भक्ति में भी तो भगवान की भक्त हते सो उनने कही के और कह लगी जो जो छह दूरे रोज खुलवाऊ तू सात में कोठा नहीं खुलवाऊ आज तो हम उस ही खोल है जा देखने हमें उसके पाचू है कहा है सो बिन्ना अब्बा बे बब्बा बोली दो भगवान की भक्ति में लग गए सत्यनारायण के भक्त हते वे कहने लगे सत्यनारायण स्वामी तुम्हारी लाज राखी हो अब हम कछु नहीं जानते हैं सो अब जा तो बहु बिरजी है के हमें तो पति को बुलाओ अपने सो यदि तुम सत्य के साँचे हो तो प्रकट हो सो वे दोरे के सामो बैठ गई हुई साथ में दोरे के सामो रोज बहू से कही के ते खोल और भगवान से मन ही मन कर जाती कि हे भगवान तुम आज लाग जाख लगी यदि तुम हो कहूँ तो आज आओ सो हम सुबह कह लगी बुलाओ कही बुलाओ लड़का हो अपने बुलाओ सो कह लगी कह बेटा आओ तुम जहाँ हो सो आओ हम दूध पी लो मतारी का है सो उन्हें खोले सत्यनारायण सो देखो सो अच्छे सजे बजे सत्यनारायण स्वामी नए लड़का को रूप धर के और अच्छी पोथी पत्रा लाए तो खड़ा हूँ फेर में कर आए बाहर देख कर रह गई बहू है सो भक्ति में इतनी शक्ति हो थे सो ऐसी भी सुनाऊ लगती के साथ कितनी प्यारी के साथ है हाँ सो ले सत्यनारायण स्वामी उनके पति भाई और ऐसी उनने लाज राखी भक्तों की सो जैसी उनकी लाज राखी भगवान सबकी लाज की सो के सा जरूर कहो चाहिए हल्की पत्री कहो मतलब सफर के हाँ सुजा जैसे बड़ी है सो को छोटी सी याद रख ली जो दो पांच मिनट में कह ली पहुंच कर गया की है हाँ और ऐसी मुश्किल हो है सो उनमें से कौन एक आध ऐसी कह ली हल्की पत्री और रोज सपरत में कह ली जो लोपन कपड़ा पहरा था आओ तो चलो ठीक है तो कर ले भी तो बना लो लड़ू तुम तो ला हो बाजार हम बाजार से हमें शक्कर में ला के हम बना ले बना लो हम ले आए हाँ राधे 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 राधे।